विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश पिछले दशक में लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं देश के मूल औद्योगिक क्षेत्र, और आज बिहार की धरती से पूरे देश को मिलने जा रही है लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनमें बिहार राज्य में ही लगभग 27,300 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 29,100 करोड़ रुपए, हरियाणा में 45,200 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 700 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 15,300 करोड़ रुपए, पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए और कृष्णा गोदावरी बेसिन में 41,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं द्वारा समुच्चय भारत का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख हैं ONGC की KG-DWN 98/2 ब्लॉक का, जहां से आज पहले कच्चे तेल के टैंकर स्वर्ण सिंधु का फ्लैग ऑफ हो रहा है। साथ ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना का, जिसमें रिफाइनिंग क्षमता को 8.33 से बढ़ाकर 15 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष किया गया है। विकास की इस अद्भुत श्रृंखला में आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें प्रमुख हैं 11,400 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत तकनीक की 13 नई इकाइयों की स्थापना के साथ बरौनी रिफाइनरी का 9 MMTPA तक क्षमता विस्तार, लगभग 38,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत रिफाइनरी की क्षमता में 15 MMTPA से 25 MMTPA का विस्तार, और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी का नया कैंपस, जो ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्ता का एक संस्थान है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से 5 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन कर राज्य में ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में भी लगभग 7000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं के साथ राज्य के विकास में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग 15,300 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं के साथ राज्य का उन्नत विकास भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कर्नाटक में 463 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलोर टर्मिनल की क्षमता के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के फजिलका, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके कार्य का शिलान्यास आज किया जाएगा। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुरिया गेज के दोहरीकरण का शिलान्यास तथा हाजीपुर बछवारा डाउन लाइन, हाजीपुर रामदयालु नगर डाउन लाइन, राघोपुर फोर्ब्सगंज का गेज परिवर्तन। इन परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए 4 नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर समुदाय की सेवा में समर्पित करेंगे। उर्वरक क्षेत्र में बिहार के बेगूसराय में लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी स्थित फर्टिलाइजर प्लांट का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले अमोनिया और यूरिया उर्वरकों की प्राप्ति होगी। भारत पशुधन का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके द्वारा पशुपालक केंद्रित डिजिटल तंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही 1962 नामित पशुपालक ऐप को आज लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं, योजनाओं और पशुधन क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर
सशक्त बनाना है। इन परियोजनाओं के निर्माण चरण में तथा संचालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 36 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही इनके कार्यान्वयन से 5 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत की विकास गाथा में इन सभी परियोजनाओं से देश के एक नए सशक्त और समृद्ध भविष्य की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नींव रखी जा रही है।